नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर डियर कैंडिडेट्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस हमारी मिल जाए। देखिए, आज जो हम मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं वो इसी बुक में से पढ़ने वाले हैं। इसके कंटेंट्स बहुत सारे बाकी हैं। तकरीबन हम एक हफ्ता और इस बुक की पढ़ाई करने वाले हैं जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है। मैं इसको जब आगे गो थ्रू कर रहा हूँ तो इसमें एक से बढ़कर एक ट्रिक दी गई है, तो उसी ट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो देखिए, पढ़ते हैं आगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9, मल्टीप्लिकेशन बाय 9, मल्टीप्लिकेशन बाय 99, 4 टाइम 9 एंड 5 टाइम्स या 6 टाइम्स, जितनी बार भी 9 दिए जाएंगे हम उसका मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए 9 के मल्टीप्लिकेशन की एक सिंपल ट्रिक है जो कि यहाँ पर बताई गई है, बहुत ही आसान है। देखिए, यहाँ पर बोला है सबट्रैक्ट द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर फ्रॉम 10। कोई भी नंबर अगर आपको दिया जाएगा तो हमें उसे 10 में से सबट्रैक्ट करना है। दिस गिव्स द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द आंसर। गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हमें राइट टू लेफ्ट जाना है। टेक द नेक्स्ट डिजिट एंड सबट्रैक्ट इट फ्रॉम 9, हमें 9 में से सबट्रैक्ट करना है। यानी कि ये से पहला यूनिट डिजिट जो है उसी को हमें 10 में से माइनस कर देना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 10 में से 2 गया, कितना बनेगा 8। अब देखिए, हम मल्टीप्लिकेशन जो सॉल्व कर रहे हैं वो सब्ट्रैक्शन मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 में से 2 गया 8। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम इसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 8 गया, कितना बनेगा 1। और यहाँ पर क्या बोला, इन द लास्ट स्टेप व्हेन यू आर एट द जीरो दैट वाज एडेड इन फ्रंट ऑफ द नंबर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट्स नेबर एंड यूज द रिमाइंडर डिजिट एज अ लेफ्ट मोस्ट साइड लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ द आंसर। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। पहले अभी हम स्टेप 2 पे जा रहे हैं। देखिए, अब हम क्या करेंगे, 9 में से 8 गया 1, और ये 1 जो है इसके बाजू वाला, मीन्स जो हमने इससे पहले वाला जो नंबर सब्ट्रैक्ट कर लिया, हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 + 1 कितना बनेगा 3। समझ में आ रहा है, अब इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। जस्ट सिंपली अब इसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा जो भी आंसर रिमाइंडर, उसको इमेडली उसके राइट हैंड साइड वाले नंबर पे ऐड कर देंगे। उसी प्रकार 9 में से 5 गया, कितना बनेगा 4, और 8 + 4 ये इमेडली राइट में कौन सा है 4, यानी कि 12, 8 और 4 12, यानी कि बचा 2, यहाँ पर 1 कैरी कर लेंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे बताइए मुझे। देखिए बहुत ही आसान है, आपको ट्रिक समझ में आ रही है, होप सो। अब हम आगे क्या करेंगे जो सिंपल है, देखिए आगे हम इसको क्या करेंगे, 9 में से 7 माइनस कर देंगे, तो कितना बनेगा 2, और 2 + 5 7 बनेगा, और 1 8, ये बन गया आपका, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमें बोला है लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, इन द लास्ट स्टेप व्हेन यू आर एट द जीरो दैट वाज एडेड इन द फ्रंट ऑफ द नंबर, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट्स नेबर एंड यूज द रिमाइंडर डिजिट एज द लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ द आंसर। तो ये जो 7 जो है, अब हमारे पास यहाँ पर 0 है, हम क्या करेंगे, 0 + 7 - 1, यानी कि 6 8 2 3 8, ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। यानी कि इसमें से हम क्या करेंगे, लास्ट में से हम -1 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर फाइनली बन जाएगा। देखिए, ट्रिक बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताया गया है कि ये ट्रिक कैसी है, क्या है, तो आपको समझ में आ गया है, होप सो। देखिए, मैं क्वेश्चन को वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिली, इसलिए ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले यूनिट डिजिट में से 10 में से सब्ट्रैक्ट लो, 10 - 2 = क्या बनेगा 8, 10 - 2 = 8 बन गया। अब हम क्या करेंगे, बाकी के नंबर्स को 9 में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 में से 8 जाएगा, कितना बचा 1, और इमेडली उसके राइट हैंड साइड वाला नंबर ऐड कर देंगे। 9 - 8 = 1, 1 + 2 = 3, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 9 - 5 = क्या बनेगा 4, 4 + 8 = 12, तो हम 12 पूरा नहीं रखेंगे, 2 रखेंगे और 1 को कैरी ओवर कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या बना, 7 और 5 = 12, सॉरी यहाँ पर हम 1 से 9 में से 7 माइनस करेंगे, तो बचेगा 2, 2 + 5 = 7, 7 और 1 = 8, ये 8 बन गया, इतना आपका आंसर आ गया। अब आपके पास 7 5 8 2 है, तो इसके पास ये जो लास्ट वाला डिजिट होता है ना, उसमें से हम 1 रिड्यूस कर देंगे, तो हमारा आंसर 6 बनेगा, जो कि हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए, ये जो है आपकी 9 की मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स थी, आप इसको T9 से भी वेरीफाई कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या बनेगा, 9 ही बनेगा, जस्ट सिंपल है, ठीक है। 9 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, उसका सम ऑफ डिजिट 9 ही बनना चाहिए, तो देख लो सम ऑफ डिजिट 9 बन रहा है या नहीं,
आठ और दो दस और 18 और ये 3 6 यानी कि 9 हो गया। तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या बनेगा, 9 ही बनेगा। ये तो है हमारी पहली ट्रिक। अब देखिए दूसरी ट्रिक लेते हैं। देखिए अगर आपको 7582 इंटू 9 दिया जाए, फिर उसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल 7582 इंटू 99 दिया जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 8582 इंटू 999 दिया जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वही नंबर लेते 8582 इंटू 4 टाइम 9 दिया जाएगा। तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन क्या, ये हम 4/1 करेंगे, 4/2 डिजिट एंड 4/3 डिजिट, 4/4 डिजिट से करेंगे, नहीं। देखिए इसके लिए ट्रिक है, देखिए आपको क्या करना है, सिंपल थोड़ा मैथमेटिकल माइंड जो है आपका अप्लाई करना है। ये 9 है तो मैं 9 की जगह पे ऐसा लिख सकता हूँ 9 इज इक्वल टू व्हाट, 10-1, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7582 इन अ ब्रैकेट 10-1, समझ में आ रहा है, 7582 इन अ ब्रैकेट 10-1। तो देखिए इसका सिंपली मैं बता रहा हूँ कि इसको किस, इसको कैसे बनेगा। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका सब्ट्रैक्शन इसके साथ हो जाएगा। देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान से, देखिए यहाँ पर मैं जो है, हम जो है यहाँ पर आप क्लियर कर रहे हैं आपके कंसेप्ट को। देखिए आप क्या कीजिए, 7582 ये इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75820 माइनस 7582 हो गया। तो ये जो आप सब्ट्रैक्शन करोगे ये इसका मल्टीप्लिकेशन ही आ जाएगा। अब आपके लिए इजी हो गया, देखिए मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि आप सब्ट्रैक्ट करो। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 10-1, उसी तरीके से 99 का क्या होगा, 100-1 होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 7582 का 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस 7582, दैट इज वॉट एवर इज ओवर हियर दैट इज योर आंसर। तो देखिए ये हमारा 999 और 999 या 4×9 के साथ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। आप ये ट्राई कर लीजिए। देखिए मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ, जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, अब आपको मैंने सब्ट्रैक्शन करवाया है। और अगर आपने सब्ट्रैक्शन नहीं सीखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहाँ पर क्लिक करके आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो 8582 इंटू यहाँ पर क्या बना, 1000-1, ये बन जाएगा, ये बन रहा है 999 यानी कि क्या बना, 1000-1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कीजिए, तो 8582 इंटू 1000 तो 000 लगा दो माइनस 8582। उसी प्रकार जो आपको मैंने चौथा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, 8582 इंटू 10000-1 यानी कि 4×9 आएगा एंड सो ऑन, 5×9s या 5×9 आया तो 100,000 में से आप 1 माइनस कर दो। तो जस्ट सिंपल है, क्या बनेगा, 8582 4×0 -8582, दैट इज़ वॉट एवर इज ओवर हियर हियर इज़ योर आंसर। तो हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए आप ये सब्ट्रैक्ट करके सीधा ही आंसर दे देना। आप देखिए ट्रिक बहुत ही ईजी थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, मुझे बहुत पसंद पड़ी इसलिए भी मैंने आपको करवा दी। देखिए ऐसी बहुत सारी अनगिनत ट्रिक्स इस बुक में दी गई है, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये बुक आप परचेस कर लीजिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पर जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय 9, 999 एंड 4×9 ख़त्म होता है। अब देखिए यहाँ पर वैसी ट्रिक दी गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मल्टीप्लाई बाय 98 दिया जाए, 101 दिया जाए, तो हमें क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पर दिया गया है 673 × 98। तो हम यहाँ पर क्या किया है, एक्सप्लेन क्या किया है, 673 × 100-2, तो यहाँ पर क्या बना, 673 000 माइनस यहाँ पर सीधा 1346, ये इस आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपका आंसर सीधा बन जाएगा 65954। जस्ट सिंपल है, देखिए बहुत इजी है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो कि यहाँ पर बताई गई है, देखिए यहाँ पर एंड सो ऑन, आपको ट्रिक्स का हाईलाइट भी दे दिया है, ठीक है, ट्रिक्स का हाईलाइट भी दिया गया है कि भाई आपको क्लूज दिए जाते हैं कि आप ट्रिक्स कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, होप्स आपको मज़ा आ रहा है ये सब ट्रिक्स देखकर। अब देखिए अगर आपको 101 या 1001 का अगर आपको बोला जाए, यहाँ पर आपको 101 या 1001 का मल्टीप्लिकेशन दिया जाए तो आप कैसे करोगे, देखो 101 102 है, 103 है, या 1001 1000 10001 है, ये 1001 कर दिया एंड सो ऑन। तो देखिए कैसे करेंगे,
5869 × 101। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, तो 101 कैसे बनता है, 100 प्लस 1, तो 5869, 100 प्लस 1, तो 5869 × 100 कर लो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 5869 00 प्लस यहाँ पर क्या बना, अब देखिए पहले 99 था तो माइनस हो रहा था, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो हम इसको प्लस कर देंगे 5869। तो जस्ट सिंपल अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। अगर हमें 102 होता तो हम क्या करते हैं, 100 प्लस 2 करते हैं। अगर हमें 103 होता तो हम क्या करते हैं, 100 प्लस 3 करते हैं। अब सोच लो कि अगर आपको 1001 है तो हम क्या करेंगे, 1000 प्लस 1 ही कर लेंगे। 1002 है तो हम क्या करेंगे, 1000 प्लस 2 कर लेंगे। तो और साथ में ये नंबर आप इस तरीके से लिख लेना, तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा जब आप ये सॉल्व करोगे। तो देखिए यहाँ पर उसी प्रकार दिया गया है एंड सो ऑन, जो भी आपको ईजिएस्ट लगे आप ऐसे कर सकते हो। तो ये जो हैं कुछ आपको ट्रिक्स बहुत अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके दी हैं। देखो ज़्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं, बुक परचेस करते हैं बट उसके अंदर की लाइन नहीं समझते, पढ़ते भी नहीं हैं और बोलते हैं बुक अच्छी नहीं है, बट मैं कहता हूँ कि बुक्स बहुत बढ़िया है ये, ठीक है। और आप इसका लुत्फ़ भी उठा सकते हो, जो भी छोटे बच्चे हैं जिनका मैथमेटिक्स कमज़ोर है वो भी आप ये बुक परचेस करके आप मैथमेटिक्स का एन्जॉयमेंट ले सकते हो। इसी प्रकार कुछ आपको अलग अलग तरीके से स्पेशल केसेस करके ट्रिक दी गई है, ठीक है। तो जिसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 34 × 37। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये सेम यहाँ पर जो है ये डिजिट सेम है, देखिए आप, ठीक है, 10 प्लेस यहाँ पर सेम है, तो 34 और 37 है। तो यहाँ पर अगर हम प्लस 7 करते हैं और यहाँ पर अगर हम प्लस 4 करते हैं तो क्या बनेगा, 41 ही बनेगा, जो कि यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई। देखो दोनों में 41 ही बन रहा है, सेम नंबर बनेगा। और जब ये बनेगा तो आपको क्या करना है, तो उसको 41 × 3 कर देंगे हम, 41 × इसका जो, अब ये 3 कहाँ से आए, इसका जो यूनिट प्लेस है ना, सॉरी 10 प्लेस, ये दोनों सेम है, तो इसको 41 × 3 कर दिया तो 123 बना। फिर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1230 बन गया, ठीक है। तो अब हम इसमें ट्रिक में अगर आगे जाए तो देखो क्या बताया है, 1230 बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको जो दिया गया है 7n4, ये जो नंबर दिए गए हैं ये रहे 7n4, इन दोनों का गुना कर लेंगे और इसको ऐड कर देंगे, 7 × 4 = 28, तो यहाँ पर 1258 ये आपका फाइनल आउटकम होगा, आप वेरीफाई कर सकते हो। समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारी ट्रिक्स है इस तरीके से, बहुत सारी ट्रिक्स है। देखिए ट्रिक्स की बात करें ना तो इतनी सारी ट्रिक्स है कि आप ट्रिक्स सीखने में एक साल निकाल दोगे, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, प्रैक्टिस तो अलग, सिर्फ सीखने में एक साल, इतनी सारी मैथमेटिकल ट्रिक्स है। जो कि यहाँ पर देखिए स्टेप वाइज बताया गया है कि ऐड द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ वन नंबर टू दैट द अनदर नंबर, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय द टेंथ डिजिट, फिर पुट द जीरो डाउन एट द एंड, हमने वही किया, मल्टीप्लाई द टू यूनिट्स प्लेसेस, अब हमने यूनिट प्लेसेस को ही मल्टीप्लाई कर दिया, एट द रिजल्ट ऑफ 10 इन स्टेप 3, यानी कि 1230 में हम ऐड कर देंगे टू गेट द फाइनल रिजल्ट, हमने यही किया। तो देखिए यहाँ पर हमारा इजीली आंसर आ गया, उसी तरीके से 23 × 29। अब देखिए 23 × 29 है तो हम क्या करेंगे बताओ, 23 × 29 है तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, ध्यान दीजिए 23 में प्लस 9 कर दिया या 29 में प्लस 3 कर दिया, तो आंसर कितना बनेगा मुझे बताइए, 32 बनेगा, दोनों में 32 बन रहा है। अब 32 बनने के बाद हम क्या करेंगे इसको, 32 बनने के बाद हम क्या करेंगे इसको मुझे बताइए, फ्रॉम स्टेप 2 स्टेप 3 32 × 20 कर देंगे तो 640 आ जाएगा, ठीक है 640 आ जाएगा, और 640 × 9 = 27, तो 640 + 27 तो 667 हमारा आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी है, सिंपल है। देखिए गाइस हमने किया क्या है इसमें, होप्स आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसके यूनिट डिजिट को, इसके जो यूनिट डिजिट को इसके साथ ऐड कर दिया और इसके साथ ये यूनिट ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आया, सेम ही आया, 32 ही आया। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 320 आ जाएगा, एंड इसको जो है 320 को जो है इसके जो यूनिट डिजिट के, सॉरी 10 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 320 × 2 = 640 आ जाएगा, और 640 आने के बाद 9 × 3 = 27, हम इन दोनों के जो ये जो यूनिट डिजिट है इसको मल्टीप्लाई करके 27 आंसर दे देंगे,
तो 766667 दैट्स आवर आंसर। तो जस्ट सिंपल है, ऐसा ही हम सेम तरीके से जो है यहाँ पर करने वाले हैं। देखो थ्री डिजिट मल्टीप्लिकेशन में, चलो गो थ्रू करते हैं एक बार ये क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर वैसे ही हुआ है, क्या हुआ है 234 प्लस 2 236 या 232 प्लस 4 कर दिया, इंटरचेंज हमने डिजिट ऐड कर दिया, 236 हो गया। अब हमने क्या किया 236 में हमने क्या किया मल्टीप्लाई बाय 230 इज इक्वल टू 54280। ठीक है, अब देखो फ्रॉम स्टेप टू में क्या हुआ है, इसको हम क्या करेंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 23 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 236 इंटू 23 इंटू 10। तो ये यहाँ पर जो है आपको सिंपली सिमिलर दिखाया गया है, तो 236 इंटू 230 54280 एंड लास्ट के दो डिजिट को हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा 54288। ठीक है, तो ये इसी तरीके से क्वेश्चंस होता है। तो देखिए अलग अलग ट्रिक से अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जो है यहाँ पर, अब जो हम नेक्स्ट सेशन लेने वाले हैं वो बेस सिस्टम से लेने वाले हैं। ठीक है, बिलो बेस या अबो बेस जो होता है उस वक्त क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि केस नंबर 9 है। सो गाइज आपको ये ट्रिक्स वगैरह कैसे लगी इस बुक की, ये हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ज़रूर बताइए आपको लेक्चर में समझ आया या नहीं आया, या कोई क्वेरीज या डाउट है आप हमें ये कमेंट सेक्शन में बताकर हमें ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी वक्त। थैंक यू वेरी मच फॉर गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।